हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। सो आज हम करने वाले हैं, ये हमारे पास है रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस एंड ये आप देख रहे हैं दूसरा है ओप्पो तो करने वाला रेनो 11 5G, जो कि इन दोनों को आज कंपेयर करने वाला है कि इन दोनों में क्या क्या आपको डिफरेंट मिलने वाला है, कितना प्राइस है किसी का और क्या डिफरेंट मिलेगा, कितना किसका प्राइस है, वो भी आप बात करने वाले हैं और इन दोनों क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है आपको चलो बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों रेनो, ये अपना रेनो 11, ये है अपना रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जिसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ। थोड़े से मेजर डिफरेंट है, दो तीन ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आपको जल्दी फटाफट बता देता हूँ क्या इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों में 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाती है आपको, जो कि बहुत ही खास बात है। और ये आपको ना बैक साइड से भी कर्व मिल जाता है हल्का सा और लाइट वेट है। मेरे हिसाब से अगर लाइट वेट की बात करूँ तो राउंड ओप्पो ज़्यादा लाइट वेट है और ये थोड़ा हैवीनेस है, बट हाँ है इसमें मेजर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? इसमें बैटरी एमएच सिमिलर ही है दोनों का, बट आई डोंट नो पता नहीं क्यों है। बट इसमें अगर मैं बात करूँ दूसरे डिफरेंट के बारे में, तो जो मेन डिफरेंट है वो इसके सबसे बात करते हैं कैमरे की। तो इसमें जो आपको कैमरा मिल जाता है वो 50 MP में मिलता है, सोनी का फ्लैगशिप कैमरा मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको 200 MP कैमरा मिल जाता है, 200 यानी कि 200 MP में कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि नंबर में काफ़ी बड़ा है। बट इसको बताया गया कि अल्ट्रा से भी लोग कंपेयर करते हैं, 100x जूमिंग मिल जाती है इसके अंदर, इसमें आपको 20x जूमिंग मिलती है। बट ये जूमिंग के मामले में ठीक है, बट अगर आप क्लोजअप फोटो लेते हो तो मेरे हिसाब से ओप्पो बेस्ट है। बट ये 200 का है तो ये भी बेस्ट है, मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, चॉइस आपकी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको स्टोर कहीं लेने जाते हो तो आप चेक कर लेना पहले, लेने से पहले। बट क्यों मैं इसको ऐसा क्यों बोला कि इसका जो प्राइस है वो सिमिलर ही मिलता है आपको, ये आपको दो ब्रांड में मिल जाता है 8256 एंड 8128। 8256 का जो प्राइस मिल जाता है वो आपको मिलता है 29,999 रुपये एंड सॉरी 8128 का है प्राइस 29,999 रुपये एंड जो 8256 आता है उसका है 31,999 रुपये प्राइस। और सेम इसके बाद में उसका भी 31,999 प्राइस है, इसी ब्रांड आपको 8256 भी मिल जाता है ये वाला, तो सेम प्राइस है। दूसरा आपने बता दिया मैंने कैमरा का, इसमें डिफरेंट मिल जाता है। अगर मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो सेम प्रोसेसर मिल जाता है आपको, डायमेंसिटी का नियर का डायमेंसिटी आता है जो 7200 आता है, इसका भी सेम 7200 मिल जाएगा, सेम प्रोसेसर में आपको मिल जाता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाता है दोनों में, नो डाउट काफ़ी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें जो और मेन चीज़ जो है, इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है वो आपको मिलता है 80 वाट का सुपर बुक चार्जिंग के साथ में मिलता है, ठीक है। इसका चार्ज आता है 80 वाट का आता है, मैं दिखा दूँगा आपको, ये इसमें 80 वाट का चार्जर इसके अंदर देख सकते हो, 80 वाट नहीं सॉरी रेनो 11 इसमें 67 वाट का ही निकला भाई, मेरे बस में उम्मीद थी कि जो रेनो 11 प्रो है इसमें 80 वाट का है, बट इसमें 67 वाट का ही है, तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहूँगा। 67 वाट का सुपर बुक चार्जिंग मिल जाता है इसके अंदर, मैंने अभी कॉल कर देखिए, अच्छा हुआ कि वैसे मुझे 80 वाट का याद था। और दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, देखो आपको मिल जाता है 120 वाट का चार्ज, आप देख सकते हो 120 वाट का मिल जाएगा, तो ये मेरी डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने भी बताया कि कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, मुझे तो बार बार टेक्टर लग रहा है।